जाने वाले यहाँ से, बहुत सारे पेड़ देख लिए नींबू के, अटर नींबू के, और ठीक है बहुत ही बड़ी बोलना चाहिए तो बहुत बड़ी ये गार्डन है वो नर्सरी है यहाँ कुकरी में, जो घूमने लायक अच्छी जगह है। और यहाँ पे ज़्यादातर ना पेड़ उगाते हैं छोटे छोटे प्लांट्स और उनको ना मार्केट में सेल किया जाता है। वाकई है बहुत सुंदर है, आप यहाँ ये घूमिए, विजिट करिए, यहाँ कोई पैसा नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता घूमने आने के लिए। गार्डन सारी पेड़ ही पेड़ है, नींबू में ना अटर्रा नींबू, इसको नहीं मालूम उनका कहते हैं आगे विदेश में, और ये हमारे यहाँ लोकल भाषा में अटर्रा नींबू कहते हैं। और पता है खास बात क्या है, इस नींबू ये घुघरी में एक मस्त जगह घूमना चाहिए, तो क्या कछवार है, पूरा कछवार है यहाँ पे। भैया खेती करते हैं बड़े स्तर में है ना, पर छोटे स्तर आम का पेड़ और इसमें आते हुए फल, पता है आप लोगों को ये है उनका कहर आ चुका है, बड़ा पेड़ है नर्सरी में, मस्त आम होते होंगे भाई, देखभाल करने वाला होना चाहिए। बाकी तो फल देने के लिए बनाया गया था नर्सरी में, पानी इकट्ठे करके और सिंचाई करने के लिए मस्त बनाया था, पर खराब हो गया। सुपारी का पेड़ नहीं दिखा ना, दिखा देते हैं, ये है पेड़ इतना बड़ा है, ये। और ये है कटहर का पेड़, जो भी देखना ना घुघरी नर्सरी में आके देख सकते हो आप लोग। ये अंग्रेजी पौधे हैं ना, क्या गजब है अमित, ये बना मजा करो भाई, देखो एक ऐसा पेड़ जो बहुत छोटा है, ये आम का पेड़ है, हम लोग के ना जस्ट सामने नारियल का पेड़ दिखाते हैं, ऊपर लगे भंवर, काफी बड़ा पेड़ है एक मान से बोलने चाहिए तो। जाने वाले हम लोग बाहर, बहुत खूबसूरत पेड़ है भाई, पर लिप्टस बहुत ही मस्त पेड़ है, पर आप देख सकते हो ये हमारे यहाँ होता है लेकिन ना सीधे सर्रा भगता है, ये तो साले दो दो नली दो सड़क खींच ली आपने। जंगलों के बीच से निकलती हुई ये नदी जो है, अब हम लोग हैं उसके पुल के जस्ट ऊपर, और ये इस साइड बह रही है, उल्टा बह रही है, इस साइड बह रही है सॉरी। और यहाँ से हम लोग आए हैं मंडला से घर, तो हम लोग पुल देखने के लिए आए थे, तो वाकई में बहुत ही प्यारा पुल है ये, और ये नदी बह रही है इस तरफ के लिए, तो चलिए चलते हैं, क्योंकि मैन था हमारा ये पुल देखने के लिए आना था। तो गाइस आज का वीडियो यहीं होता है एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब जाएंगे हम बाहर, आज बस के लिए बस इतना ही।